हेलो दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपनी बाइक पे फोग लाइट जो लगाने वाले हो उसको बाइक के इग्निशन स्विच के साथ यानी इस वाले स्विच के साथ में कैसे कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मोस्टली लोग आपको बताते हैं कि आप बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कीजिए, लेकिन देखो कई बार होता क्या है, बच्चे शरारत कर जाते हैं या फिर कोई बंदा वैसे ही स्विच के साथ पंगे ले रहा हो तो वो उसको ऑन छोड़ देगा तो आपकी बैटरी पूरी डेड हो जाएगी, उसके बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी एक्स्ट्रा लाइट कुछ भी लगवा रहे हो तो हमेशा वो अपनी बाइक या गाड़ी के इग्निशन के साथ में ही रखो, ताकि जब आप सिर्फ इग्निशन यानी जब आपका जो बाइक आप चाबी ऑन करते हो सिर्फ तभी लाइट ऑन हो। ठीक है, अब कैसे कनेक्ट करना है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये हमारे पास स्प्लेंडर प्लस है, इसमें सबसे पहले आप एक चीज़ ढूंढिए कि आपके बाइक का जो इग्निशन है ना उसके साथ में आप वायर ढूंढिए कि वो वायर कौन सी वाली आ रही है, तो ये वाली है। ठीक है, अब इसमें आपको कई सारी वायर देखने को मिलेंगी, हो सकता है इस साइड मिले या फिर इस साइड मिले, आपको एक चीज़ ढूंढनी है। इसमें एक वायर मिलेगी जिसके अंदर आपको ब्लैक और रेड कलर का कम्बिनेशन मिलेगा एक साथ, लेकिन इसमें हमें सिर्फ वो वाली लेनी है जिसमें लाल रंग है वो कम है, यानी रेड कलर वो कम है और ब्लैक कलर है वो ज़्यादा है वायर पे। आप चाहो तो ये रेड और ब्लैक जो दोनों हैं उनमें से कोई सी भी ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप ये जिसमें कम रेड कलर है और ज़्यादा ब्लैक कलर है वो वाली लीजिए, चाहे इस साइड लगी हो चाहे इस साइड लगी हो। ठीक है, इसके साथ में आपको क्या करना है, आपके बाइक का जो स्विच है, जैसे मैंने ये वाला स्विच बाइक किया हुआ है, ठीक है 2-in-1 है, क्योंकि मेरे पास जो फोग लाइट है वो येलो और वाइट दोनों कलर में है, तो आप ये वाला स्विच बाय कर सकते हैं। इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी चैनल पर, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँ आपको, अगर ये बाय करना है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और 2-in-1 स्विच है। ओके, तो अब इस स्विच के साथ में मेरे को टोटल 3 वायर मिली हैं, इसका जो डायग्राम है वो मतलब कैसे कनेक्ट करना है वो भी आपको साथ में मिल जाता है। बाकी आपको बता दूँ तो आप इसको चेक कर सकते हैं या तो अपना मल्टीमीटर लेके, जैसे इसमें ब्लैक कलर है ना, ये मेन है। ठीक है, अब मेन कलर है वो हमें देना है पावर में। ठीक है, तो यहाँ पे इग्निशन स्विच में हमने ये ब्लैक कलर है ना, ये जो वायर है इसकी मेन वायर है। आपके पास अगर 2 बटन वाला स्विच है, मतलब 2-way वाला है, सिर्फ जिसमें सिर्फ 2 वायर है, जैसे मान लो एक ये वायर है, ये दोनों एक ही मान लेते हैं, ठीक है एक वायर है, तो आपको एक वायर है वो इस वाले वायर में लगानी है जो मैंने आपको अभी बताई, जिसमें ब्लैक और रेड का कम्बिनेशन है, इसके साथ में ये कनेक्ट कर देना है। थोड़ा ज़्यादा छील लेना वायर को, इसके अंदर डाल लेना और इसको अच्छे से लॉक कर देना। ठीक है, बच गई इसके बाद में आपको एक या फिर 2 वायर, ये दोनों आपको मान लो एक वायर है तब तो आपकी जो फोग लाइट है वो डायरेक्ट ऑन हो जाएगी। अगर 2 हैं, 2 का मतलब हुआ कि एक तो इसमें आप येलो के लिए यूज़ करोगे, एक करोगे वाइट के लिए। ठीक, अब ये दोनों आपकी मर्जी है आपको कैसे कनेक्ट करना है, आप नीचे वाले के लिए कौन सी कनेक्ट करें, ऊपर वाले के कौन सी कनेक्ट करो, बटन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अब आते हैं हमारी फोग लाइट पे, फोग लाइट का कनेक्शन कैसे करना है। इसमें टोटल आपको 3 वायर मिलेंगी, अगर आपकी नॉर्मल LED है तो आपको 2 वायर मिलेंगी, जिसमें जैसे इसमें 3 है क्योंकि ये डुअल कलर वाली है, येलो और वाइट वाली। तो पहले मैं सिंपल वाली का बता देता हूँ, सिंपल वाली में आपको 2 वायर मिलेंगी, एक है न्यूट्रल की, एक होगी करंट के लिए। ठीक है, करंट वाली आपको इसमें कनेक्ट कर देनी है, यहाँ पर जो वायर होगी आपका स्विच का जो वायर है उसमें। ठीक है, इसके साथ में, इसके साथ करंट की कनेक्ट हो जाएगी। न्यूट्रल आपको लेना है, न्यूट्रल आप या तो यहाँ से इस स्क्रू से ले सकते हो, बट ये स्क्रू हैं ये ज़्यादा टाइट होते हैं, पहले से हो सकता है आपके पास में इनको खोलने के लिए औजार ना हो। आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे अपनी फोग लाइट कनेक्ट करोगे ना तो उसके साथ में जो भी स्क्रू हो उसके साथ कनेक्ट कर लेना, चल जाएगी, एक बार पहले चेक कर लेना, क्योंकि ये जो पूरा लेग गार्ड है ना इस पे आपको अर्थ मिल जाएगा, तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो स्क्रू आप टाइट करने वाले हो, यहाँ पे स्क्रू के साथ कर देना न्यूट्रल को यानी ब्लैक वायर को, और यहाँ से आपको न्यूट्रल मिल जाएगा और करंट आपको यहाँ से मिलेगा जब इग्निशन आप ऑन करोगे। बात आती है ये जो डुअल कलर वाली फोग लाइट होती है, इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे मेरे पास ये 3 केबल है, ठीक है इसमें, तो ये है न्यूट्रल के लिए ब्लैक वाली। अब आप सोचो ये एक्स्ट्रा वायर कौन सी, ये एक्स्ट्रा वायर मैंने यहाँ से कनेक्ट की है, जो भी मैंने आपको बताया इस स्क्रू से मैंने एक एक्स्ट्रा वायर ले ली ताकि मेरे को इसके साथ में जो वायर आ रही है इसमें छेड़छाड़ ना करनी पड़े, क्योंकि भाई ये अच्छी क्वालिटी की है, मतलब पूरा एक सिंगल रोल के अंदर आ रही है तीनों यहाँ से कंबाइन होकर, तो मैं नहीं चाहता यहाँ से वायर खराब हो या इसको मैं कट करूं, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा वायर लगा ली इसके साथ में यहाँ से कनेक्ट करके, और ये मैं अंदर आगे ले आया। यहाँ पे ये ब्लैक वायर मैंने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दी, यहाँ पे न्यूट्रल से कनेक्ट करने के बाद में बच गई इसकी 2 वायर जिसमें हमें करंट देना, एक है येलो एक रेड है, रेड वाली हम वाइट के लिए है और ये जो येलो वाली है ये येलो के लिए, येलो बीम। ठीक है, तो अब येलो वाली को हम यहाँ पर कनेक्ट कर दें एक के साथ में, क्योंकि मेरे पास 2-in-1 वाला स्विच है, तो एक इसके साथ कनेक्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, उसके बाद में हमारा इग्निशन के साथ में ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको लगाने के बाद। तो फाइनली मैंने सेटअप कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे वायर को कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं 2 वायर स्विच की है, वो मैंने
येलो के साथ में और रेड के साथ में कर दिया है। ब्लैक को न्यूट्रल हमने दे ही रखा था और ये वाली यहाँ से इग्निशन के साथ में हमने कनेक्ट कर दी है, जो ये स्विच से एक वायर है। अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने स्विच ऑन किया और अभी लाइट ऑन करते हैं। ये हो गई वाइट कलर में, जो मैंने ऊपर की साइड में कनेक्ट की है, ठीक है। अभी बीच में ये बंद हो गई और ये येलो कलर हो गया, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर से कर लेना, बिकॉज ऐसी वीडियोज आपको आगे भी मिलती रहेंगी।